अभी मॉर्निंग के 4 बजे हैं और मैं सो के उठ गई हूँ, तो अब मैं अपना पढ़ाई का जो मेरा टाइम टेबल है वो मैं फॉलो कर रही हूँ अपने रूटीन को। इस समय गर्मी का सीज़न है तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है आजकल। तो मैंने रूटीन में आजकल टैंक को शामिल किया है, इस टैंक को घोलो, ठंडे पानी में घोलो, मिलाओ और इसे पी जाओ। खूब ठंडा ठंडा सा ऑरेंज फ्लेवर है तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा लगता है और फिर मन मतलब काफ़ी ठंडा सा हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमें ठंडे पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और हमेशा पानी मतलब मेरा ये टेस्ट है कि चेंज कर करके पियो टेस्ट, तो बड़ा अच्छा लगता है। 5 जून को UPSC का एग्ज़ाम है और 12 जून को UPPCS का एग्ज़ाम है। तो मैंने अपने मॉर्निंग के रूटीन में पहले साइंस पढ़ना स्टार्ट किया है घटना चक्र से। और अब घड़ी में बज चुके हैं 8, तो मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ और ये मेरा सेल्फ नोट है पॉलिटी का, तो मैं थोड़ी देर इससे पढ़ूंगी।
और अब टाइम समथिंग 10 बजने वाले हो गए हैं, तो मैं लूसेंट से इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी। इसमें इकोनॉमिक्स के फैक्ट बहुत अच्छे दिए हुए हैं, बहुत शॉर्ट्स टाइप का नोट्स है तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इससे रिवीजन कर रही हूँ थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है और हमें कम समय में ही बहुत कुछ रिवीजन करना है, तो मैंने पहले लूसेंट पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इससे रिवीजन कर रही हूँ फिर से। और अब काफ़ी देर हो गया मुझे पढ़ते हुए, तो पता नहीं क्यों कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, माइंड से बहुत कुछ स्किप हो जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर में ब्रेक ले लेती हूँ और कुछ नाश्ता वगैरह बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो ये है, मैं बना रही हूँ मेरा सैंडविच जो मैंने पहले से थोड़ा सा तैयार करके रखा हुआ है इस तरीके से, क्योंकि ये टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, जल्दी से बन जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। समय बचाना होता है, बहुत समय हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं इधर उधर में, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए समय कम बचा हुआ है, तो बस अच्छा है। और ये ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा है, मैं बना लेती हूँ, जल्दी से हो जाता है, मन समय नहीं लगता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कल मैंने अपने भाई को भी इसे बना के खिलाया, उसको अच्छा नहीं लगा, कह रहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर एक्चुअली मुझे बड़ा टेस्टी लगता है ये सैंडविच और बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए आप लोग ज़रूर कभी ट्राई करें इस तरीके से। और ये डाला मैंने इसमें मायोनीज़, और मायोनीज़ डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी सॉस, मतलब टमाटो केचप, तो इससे टेस्ट मतलब बड़ा खट्टा मीठा सा टेस्टी सा हो जाता है। और ये अब मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, सैंडविच। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना के रेडी कर लिया है, तो अब मैं इसे इंजॉय करती हूँ, देन फिर मैं पढ़ाई करती हूँ ब्रेकफास्ट खाने के बाद। हम्म,
बहुत यमी है ये, बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में। और अब मैंने ब्रेकफास्ट अपना फिनिश कर लिया है और मैं अगेन पढ़ने जा रही हूँ पॉलिटी। और ये पॉलिटी का नोट्स मेरा बनाया हुआ है लक्ष्मीकांत की बुक से। मैंने लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ के अपना ये खुद का नोट्स बनाया हुआ है ताकि मुझे जब कभी कम समय में रिवीजन करना हो तो मैं अपने नोट्स से रिवीजन कर लूँ, और समय जब ज़्यादा हो तो मैं लक्ष्मीकांत पढ़ लेती हूँ। तो ये है कम समय में रिवीजन करने के लिए। और अब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है ये एनवायरनमेंट का घटना चक्र, क्योंकि एनवायरनमेंट के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं UPPCS एग्ज़ाम में भी और UPSC के एग्ज़ाम में भी, तो इसे हम स्किप नहीं कर सकते, इसे पढ़ना ज़रूरी है, सब चीज़ें कवर करना ज़रूरी है। और समय कम है तो बस, क्योंकि घटना चक्र पतली बुक है तो बस उसे पढ़ के रिवीजन कर रहे हैं। अरे भाई मेरा आ गया, गिटार बजा रहा है। तो ये है हम स्टूडेंट लोग की लाइफ।